আছে বুনাইছিলি মন সজনী রে আজ ভালোবাসে কাঁদালি মন মনে পড়ে তোকে সারা ক্ষণ সজনী রে আজ ভালোবাসে কাঁদালি মন সজনী রে আজ ভালোবাসে गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होंगे, आगे भी ऐसे अच्छे रहेंगे, मस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। सब ने प्रीव्यू में जिस तरह से वीडियो देखा उसी तरह से वीडियो एडिट करने के लिए आपको एक ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है लाइट मोशन। अगर आपके पास लाइट मोशन ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ थोड़ा देर लोडिंग लेने लग जाएगा तो पूरा लोडिंग होने देना। सो लोडिंग होने देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। सो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इधर आपको प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करके सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट लिंक एवं लिरिक्स इफेक्ट लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इनपुट कर लेना। इनपुट कर लेने के बाद सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट लिंक में क्लिक कर लेना। यानी कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कुछ आगे की ओर स्क्रॉल कर लेना। देन आपको यहाँ पर एक रेड कलर का ग्रुप दिखेगा, तो ग्रुप में क्लिक करना, एडिट ग्रुप में क्लिक करना। फिर आपको इसमें इमेज लिखा हुआ है, सभी में इमेज ऐड करना। सो पहले में इस वाले में क्लिक करना, उसके बाद कलर एंड फिल में क्लिक करना, उसके बाद स्टार वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप फोटो चूज करना। आप जिस फोल्डर में फ़ोटो रखे होंगे उस फोल्डर से फ़ोटो ले लीजिएगा। सो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। फोटो चूज कर लेने के बाद आपको इस वाला प्लस वाला आइकन में क्लिक कर लेना है। यानी देख सकते हैं सभी में से इसी प्रकार से करना। यू वर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करना, कलर एंड फिल में क्लिक करना। देन आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके फोटो ऐड करना, उनको सभी में ऐसे ही करना है। देन तो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो दोस्तों फोटो ऐड होने जाने के बाद बैक कर लेना। बैक करने के बाद फिर से आपको उसी पर उसी के पास चले जाना। उसके बाद आपको फिर से आपको नीचे ग्रुप दिखने मिल जाएगा, उसी ग्रुप में क्लिक करके एडिट ग्रुप में क्लिक करना। देन आपको यहाँ पर एक फोटो ऐड करना। सो फोटो ऐड करने के लिए सेम उसी प्रोसेस से फोटो ऐड करना, सबको बता देता हूँ। उसी प्रोसेस से फोटो ऐड करने के बाद फिर से आपको बैक कर लेना। आपको बैक करने के बाद इस वाले ऑप्शन में आ जाए, नहीं नीचे आपको एक दिख रहा है व्हाइट कलर का जो कि चैनल का लोगो दिख रहा है, उसमें आपको क्लिक करना। देन आपको कलर एंड फिल में क्लिक करना। देन आपको यहाँ पर क्लिक करके फोटो ऐड करना। देन आपको फिर से आगे में मिल जाएगा एक ग्रुप, तो उसमें क्लिक करना। देन आपको एडिट ग्रुप में क्लिक करना। देन आपको कुछ यहाँ फोटो ऐड करना पड़ेगा, बस यहाँ पर फोटो ऐड करना। सो फोटो ऐड करने के लिए उस इमेज में क्लिक करना, कलर एंड फिल में क्लिक करके इस वाला ऑप्शन में क्लिक करके आपको फोटो ऐड करना। फोटो चूज करने के बाद प्लस कर देना। देन आपको फिर से ऊपर वाला ऑप्शन में क्लिक करके देन आपको कलर एंड फिल में क्लिक करके आपको इसी प्रकार से फोटो को ऐड करना। सो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। सो फाइनली मेरा फोटो सब ऐड हो चुका है। सो उसका फोटो ऐड हो जाने के बाद बैक कर लेना। फिर आपको जहाँ पर ग्रुप था वहाँ पर चले जाना है। यानी कुछ आगे फिर कुछ इस तरह से वाइट कलर दिखेगा, तो उसमें आपको इस वाला ऑप्शन में क्लिक करके कलर एंड फिल में क्लिक करके सभी में इसी प्रकार से फोटो ऐड करना। सब वाइट कलर में क्लिक करना। देन आपको कलर एंड फिल में क्लिक करके इस वाला ऑप्शन में क्लिक करके फोटो ऐड करना। थोड़ा चूज करके प्लस कर देना। बस ऐसे ही कुछ करना है आपको, जितना लास्ट पोजीशन तक देख रहा है। उसके बाद आपको एक ग्रुप दिखेगा। सो ग्रुप दिखेगा, उसमें आपको क्या करना होगा, ग्रुप में क्लिक करना, एडिट ग्रुप में क्लिक करके देन आपको यहाँ इमेज लिखा होगा, इसमें फोटो ऐड करना। तो फोटो ऐड करने के लिए सेम प्रोसेस वही करना होगा। सो वही करना, सो मैं ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ग्रुप में ऐड होने के बाद बैक करना है ना। बैक करने के बाद उसी ग्रुप के सामने चले जाना है, आपको ग्रुप को ढूंढ लेना है। देन आपको यहाँ आप देख सकते हैं ग्रुप मेरा 19.8 सेकंड में है। उसके बाद सेम आपको इसी तरह से कुछ व्हाइट कलर दिखेगा, तो उस व्हाइट कलर में फ़ोटो ऐड करने के लिए
सिंपली उसमें क्लिक करना फोटो में, उसके बाद कलर एंड फिल में क्लिक करना, देन आपको स्टार प्लस ऑप्शन में क्लिक करके फोटो ऐड करना। सेम प्रोसेस करना है तो पूरा लास्ट तक कर लीजिएगा। सो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। सो दोस्तों फाइनली मेरा फोटो ऐड हो चुका है। फोटो ऐड हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, बैक कर लेना होगा। बैक करने के बाद आपको लिरिक्स इफेक्ट देखने मिल जाएगा, तो लिरिक्स इफेक्ट में क्लिक कर लेना। देन आपको इस वाला ऑप्शन में क्लिक करके सेलेक्ट और लेयर कर लेना। देन आपको फिर से उसी में क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना। देन आपको बैक कर लेना। बैक करने के बाद सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट में आ जाना है। देन आपको प्रोजेक्ट में आ जाने के बाद इस तरह पे टैप करके पेस्ट लेयर कर लेना। सो वैसे आप देख सकते हैं पेस्ट हो चुका है। सो इस पर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक सेटिंग के बगल में तीर वाला आइकन दिख रहा है, इसमें क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।